गली में। आज का जो एहतजाज है वो चाइना हुकूमत के ख़िलाफ़ ये एहतजाज किया जा रहा है और अपनी फ़ौज की, अपने जवानों की हौसला अफजाई के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, उनकी जुर्रत बढ़ाने के लिए ये एहतजाज किया गया है कि जो हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं, आज उन पर, उनकी जानों पर हमला किया जा रहा है और हम खामोश तमाशाई बने रहें, ये हमको ज़ेब नहीं देता। हमको चाहिए कि हर हिंदुस्तानी अपनी फ़ौज की हिमायत में खड़ा हो और जो चाइना के सामान इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसका इस्तेमाल बंद किया जाए और गोरेगांव में जो नुमाइश लगी है चाइना के सामानों की, उस नुमाइश को फौरी तौर पर हुकूमत बंद करे। मेरा तो ये बोलना है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि चाइना को लाल आँख दिखाना चाहिए, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की वो लाल आँख काली हो गई या सफ़ेद हो गई है ये हमें पता नहीं चलता, और चाइना को बहुत ज़्यादा सहूलत देते हैं और उनके लिए इन्होंने एग्जीबिशन का भी प्रोग्राम रखा है। हमारे लिए शर्म की बात है कि चाइना हमारे जवानों को ज़ख्मी करता है और हम उसके साथ में धंधा व्यापार करते हैं, यह हमारे देश के लिए भी शर्म की बात है और देश की प्रजा के लिए भी शर्म की बात है। आज कल जो है चाइनीज आर्मी ने हमारी इंडियन आर्मी पर हमला किया, ज़ख्मी किया और तशद्दुद किया, इंडिया में घुस गए, उसके लिए हम चाइनीज़ हुकूमत का बायकॉट करना चाहते हैं। अपनी हुकूमत से कहना चाहते हैं कि फौरन चाइनीज़ हुकूमत का बायकॉट करें, यहाँ उनकी एम्बेसी को बंद करें। चाइनीज़ जो भी प्रोडक्ट हम घरों में यूज़ करते हैं उन प्रोडक्ट्स को फौरन जो है तोड़ के फेंक दें और उस तोड़ने का वीडियो जो है हम ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर करें, और जो भी मोबाइल वगैरह अगर चाइना के यूज़ करें उसको भी तोड़ दें, ताकि उनको फाइनेंशियली ये मैसेज जाना चाहिए कि इंडियन जो हैं वो चाइना से नाराज़ हैं।